हाय गाइस दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टेरो गाइस आज का जो वीडियोज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोग आपको किस रूप में पसंद करते हैं ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक जरूर करें साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि लोग आपको किस रूप में पसंद करते हैं तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है फोर ऑफ़ फोर ऑफ का कार्ड है लोग आपको किस रूप में पसंद करते हैं नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स लोग आपको किस रूप में पसंद करते हैं तो यहाँ पर जो कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्स टू टू की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स द स्टार नेक्स्ट जो कार्ड है वो द एम्पेर तो लोग आपको किस रूप में पसंद करते हैं तो यहां पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स एट ऑफ कप्स द हीरो फेंट किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डैक जो आ रहा है वो आ रहा है डेथ का कार्ड यहाँ पर कुछ कार्ड और हम लेंगे यहाँ पर कुछ कार्ड्स और हम लेंगे कॉशन का कार्ड है सैडनेस का कार्ड है एंजाइटी का कार्ड है ग्रोथ एंड इंट्यूशन, वन मोर कार्ड हैप्पीनेस एंड बॉटम ऑफ द डैक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा क्लिन क्लिंस का कार्ड है तो अगर हम ओवरऑल एनर्जी देखें तो यहाँ पर डेथ का कार्ड है और यहाँ पर जो कार्ड है वो है क्लिंस का कार्ड है ना? तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है बहुत बदलाव आपने फेस किए हैं अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन देखे हैं स्ट्रगल देखे हैं साथ साथ क्लिंस का कार्ड है आप बहुत ये कह सकते प्योर सोल हो आपको साफ़ सफाई बहुत पसंद होगी आपको क्लीनलीनेस बहुत पसंद होगी आप बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं यहाँ पर आप दिल से ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं ट्रांसपेरेंट मींस जो आपके मन में वही बाहर मतलब मन में जो चीज़ें चल रही हैं वही आप बातों में अपनी दर्शाते हो वो वाली एनर्जी तो यहाँ पर लोगों को आपका कौन सा रूप पसंद है यहाँ पर फोर ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है आपकी लाइफ में हो सकता है इस समय बहुत स्टेबिलिटी रही हो साथ साथ एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो यहाँ पर लोग आपको इस रूप में देखना चाहते हैं मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बहुत लेबोरियस हो बहुत मेहनत करते हो हर चीज़ में अपना हंड्रेड परसेंट देते हो अपने पूरी ताकत किसी चीज़ को हासिल करने में लगा देते हो और जिसका परिणाम आपकी लाइफ में फोर ऑफ वॉन्ट्स दिखाता है मतलब स्टेबिलिटी और जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में अभी दिखाई दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का रूप है आप कभी भी गिव अप नहीं करते मेहनत से जी नहीं चुराते और हंड्रेड परसेंट देते हो अपना गिवअप नहीं करते कि कोई इंसान होता है ना कि अगर उसको रिजल्ट नहीं आता तो लोग छोड़ देते हैं गिवअप कर देते तो आप गिव अप नहीं करते टू ऑफ कप्स का कार्ड है आप को अगर कोई प्रेम करता है तो आप उसको दोगुना उसको रिटर्न करते हो वो वाली एनर्जी है आपकी इस कारण से इस रूप को जो है आपको आपके जो आसपास के जो लोग हैं वो आपको कभी भी नहीं भूल पाते यहाँ पर मैं राशि बताना भूल गई हूँ तो राशि आपकी जो है वृष हो सकती है आपकी राशि कर्क वृश्चिक मीन हो सकती, हो सकती है आपकी राशि मेष हो, हो सकती है आपकी राशि कुंभ हो सकती है ये आपकी राशियां हो सकती हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो अप्रैल हो सकता है फरवरी हो सकता है और अक्टूबर हो सकता है अगस्त हो सकता है मई हो सकता है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं तो इस रूप को मतलब आपका जो एक मेहनत करना और कभी गिवअप नहीं करना ट्रांसपेरेंट रहना इस रूप को लोग बहुत पसंद करते हैं साथ साथ टू ऑफ कप्स का कार्ड है अगर कोई आपको स्नेह करता है तो आप उसको कई गुना उसको रिटर्न करते हैं तो वो वाली एनर्जी बहुत लविंग एनर्जी आपकी हो सकती है टू ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है आप बहुत बहुत डिसीजन मेकिंग पावर आपका अच्छा है। मतलब आप तुरंत निर्णय लेते हो आप सोचते नहीं हो जो चीजें आपको करनी है वो कर डालते हो आप जो है सोच विचार नहीं करते आपको जो काम करना है वो आप कर लेते हो नाइट ऑफ सोट्स का कार्ड है तुरंत एक्शन लेना है इम्पल्सिव मतलब तुरंत एक्शन लेने वाली एनर्जी वो चीज़ भी लोगों को आपकी बहुत पसंद आती साथ द स्टार का कार्ड आप लोगों को हील करते हो हीलर हो सकते हो आप अपनी बातों से आप अपनी हीलिंग हो सकता है हीलर हो सकते जो इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप अपनी बातों से आप अपनी हीलिंग पावर से लोगों को हील करते हो लोगों को मोटिवेट करते हो लोगों को आगे बढ़ाने में अग्रसर करते हो लोगों को प्रेरणा प्रेरणा देते हो मोटिवेट करते हो तो इस कारण से भी लोग जो हैं आपको पसंद करते हैं साथ साथ यहाँ पर एम्पैर का कार्ड है आप ना लोगों को प्रोटेक्ट करते हो एक थोड़ा सा डोमिनेंस भी हो सकता है आपके नेचर में लेकिन इन द गुड वे है ना तो ये चीज़ें भी लोगों को आपकी बहुत पसंद आती है हीरो का कार्ड है आप जो हो लोगों को गाइड करते हो आपको नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है आपको एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है आपको दुनियादारी की का बहुत अच्छा खासा अनुभव हो सकता है इस कारण से हो सकता है बहुत सारे लोग आपके पास एडवाइस लेने आते हों सजेशन लेने आते हों गाइडेंस लेने आते हो तो ये रूप भी लोगों को आपका बहुत अच्छा लगता हो सकता है आपके पास हर ताले की चाबी हो तो इस कारण से लोग हमेशा आपको जब परेशानी में होते तो लोग आपको याद करते हैं साथ साथ एट ऑफ कप्स का कार्ड है जहां आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जहां आपकी कदर नहीं होती उस जगह से आप मूव ऑन करना पसंद करते हो टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमेशा अपने परिवार को साथ लेकर चलना हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखना अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान रखना अपने परिवार को सपोर्ट करना अपने पेरेंट्स के को रिस्पेक्ट देना और उनकी हमेशा उनका मान सम्मान रखना और उनका इज्जत करना इस कारण से भी लोग जो है आपको बहुत लाइक करते हैं आपको लोग पसंद करते हैं। साथ साथ यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपने अभी तक जो चीज़ें भी अर्जित की है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर करी हैं साथ साथ आप जो हो ना प्रैक्टिकल हो बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचते हो उ, साथ साथ यहाँ पर हैप्पीनेस हमेशा खुश रहते हो खुशियाँ बांटते हो हंसमुख रहना चाहे कितना भी समय आपका ख़राब चलना चाहे कितना भी बुरा समय चलना आप हमेशा हंसते रहते हो लोगों को आप हमेशा खुश दिखाई देते हो तो ये रूप भी लोगों को आपका बहुत पसंद आता है साथ साथ यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड इंट्यूशन पावर आपका बहुत हाई हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो और जो लोग इंट्यूटिव होते हैं ना उनको आभास हो जाता है किसी भी चीज़ का पहले से अनु आ, अनु आ, क्या बोलते हैं अभ्या आभास हो जाना पहले से आभास हो जाना मतलब पहले से ही जान जाना किसी चीज को साथ साथ ग्रोथ का कार्ड है हमेशा ग्रो करते रहना दूसरों को मोटिवेट करना आगे बढ़ने में खुद भी ग्रो करना और दूसरों को भी हेल्प करना इस कारण से भी लोग जो है आपको बहुत पसंद करते हैं साथ साथ एंजाइटी का कार्ड है आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ उनके काम नहीं होते या भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं बहुत एंजाइटी होने लगती है आप एंजाइटी नहीं होती आपको किसी भी चीज़ में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए आप कभी भी एंक्शियस नहीं होते हो आप बहुत काम रहते हो आप बहुत कूल रहते हो और बहुत आ, कह कह सकते हैं बैलेंस में रहकर हर चीज का निर्णय लेना और पॉजिटिव एनर्जी में रहना इस कारण से भी लोग आपको जो है वो बहुत पसंद करते हैं सैडनेस का है दुखी नहीं होते जैसे कुछ लोग होते हैं ना दुखी हो जाते छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते नहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती तो भी आप दुखी नहीं होते आप एक हिम्मत जुटा के चलते हो और लोगों को हिम्मत देते हो अगर उनका कोई ए, ये कह सकते हैं प्रतिकूल समय चल रहा है सिचुएशन लोगों की आप आपके आसपास के लोगों की अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आप उनको भी मोटिवेट करते हो साथ साथ यहाँ पर कौशन का कार्ड है कौशन मतलब आप जो हो हमेशा सतर्क रहते हो और दूसरों को भी अगर कोई चीज़ आपको गलत दिख रही है अगर लगता है कि कुछ गलत होने वाला तो आप लोगों को भी आश्वस्त करते हो आप लोगों को भी अवेयर करते हो और हमेशा सचेत रहना अलर्ट रहना अवेयर रहना इस कारण से भी लोग जो है वह आपको बहुत पसंद करते हैं तो अब हम कुछ कार्ड्स लेंगे गाइडेंस के लिए कि आपको गाइडेंस क्या आ रही है एंजल्स की तरफ से तो यहां पर आपके लिए गाइडेंस के लिए कुछ हम कार्ड्स लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं तो यहां पर आ रहा है ओपन कम्युनिकेशन मरकरी का कार्ड है तो यहां पर आपको मरकरी अपना स्ट्रांग रखना है हो सकता है मरकरी आपका बैलेंस ना हो सकता है आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ओपनली कम्युनिकेट करना है साथ साथ मरकरी ग्रह आपका जो मरकरी ग्रह है जो बुद्ध ग्रह है उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो बुद्ध ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए आप ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं और बुधवार के दिन आप जो गाय है उसको हरा चारा खिला सकते हैं इस तरह का होता है ग्रीन एवेंचरिन तो ग्रीन एवेंचरिन का आप ब्रेसलेट पहन सकते वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे देखेंगे कि गाइडेंस क्या आ रही है आपको तो यहाँ पर आ रही है डिवाइन हीलिंग आपको अपनी सेंसिटी सेंसिटिविटी को ऑनर करना है मतलब हो सकता है आपके अंदर निक्लेयर बोन्स बहुत अच्छा हो आ, मतलब आपका फील कर लेते हो आप किसी भी चीज़ को तो आपको अपनी डिवाइन हीलिंग को आगे बढ़ाना है आपके अंदर हो सकता है पावर हो हीलिंग का आप दूसरों को सपेट सपोर्ट कर सकते हैं आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ को जो आपके अंदर क्लेयर वैंस है जो आप चीज़ों को भाप लेते हो आप चीज़ों को आभास कर लेते हो इस पावर को आपको एनहेंस करना ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सको नेक्स्ट जो है वो है कॉल टू एक्शन आपको एक्शन लेने की जरूरत है है ना आप हो सकता है एक्शन नहीं ले पाते हो तो आपको जो भी आप प्लानिंग करें उसका तुरंत एक्शन आप ले नेक्स्ट जो कार्ड है वो है uh, माँ हफ्तार बाबा जी सोल एक्सपेंशन का कार्ड है तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना है आपको हीलिंग मोडालिटी में जाना है पहले भी यहाँ पर कार्ड आया था और आप ओकल्ट से जुड़ सकते हो ताकि आप जो है लोगों को हील कर सकें और अपने सोल एक्सपेंशन को अपने सोल को जो है एनहेंस करें मतलब सोल पावर जो है आपका जो सोल पर्पस है उसको आप एनहेंस नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लॉर्ड गणेशा का तो लॉर्ड गणेशा का जो है आपको विशेष पूजा आराधना करनी है और इन्फिनीटी एबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है हर तरह से आपको सुख प्रोस्पेरिटी ग्रोथ आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है भगवान गणेश की विशेष कृपा आपके ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है सेंट जर्मेन का कार्ड है कर्मा क्लिनजिंग का कार्ड है तो यहाँ पर आपको अपने कर्मा क्लिनजिंग करने हैं अगर कुछ कर्म ऐसा लगता है कि आपको आपने पास्ट में कुछ गलत चीजें की हैं तो उसके लिए आपको माफी मांगनी है और अपने कर्मा क्लिंजिंग आपको करने हैं एक कार्ड और हम लेंगे तो यहां पर है कृष्णा डेवोशन का कार्ड तो यहाँ पर आपको जो है कृष्ण भगवान हो सकता है आपके इष्ट देव हो गणेश जी आपके इष्ट देव हो तो आपको कृष्ण भगवान में अपना समर्पण भाव देना है अपने आप को समर्पित करना है कृष्ण भगवान की सेवा करनी है या ये कह सकते हैं आपको जो है अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट करना हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से अपने इंट्यूशन से कुछ ना कुछ गाइडेंस आती है तो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है और दूसरों से जो है अनकंडीशनल लव करना है गाय की सेवा करनी है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा निकल कर आया गाय की विशेष आपको सेवा करनी है और हो सकता है बहुत सारे लोग जो है मथुरा वृंदावन जाना चाहते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐसा मुझे गाइडेंस आ रही है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप हो आइए अगर आप मथुरा वृंदावन कृष्ण जी के धाम पर जाना चाहते तो आप होकर जरूर आइए तो ये थी रीडिंग आई होप ये रीडिंग आपको तो पसंद आई हो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम साई राम जय माता दी राधे राधे